क्लास छूट गए, जैसे अद्विका आज एब्सेंट दिख रही है। वो सो डॉक्टर के यहाँ गई थी। इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में कहते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कैसा लगता है सुनने में, धारा का व्हाट इज करंट, धारा का धारा लिखना है बच्चों, है ना, मजे से बैठे मत रहना। ऊष्मीय, ऊष्मा, ऊष्मा यानी हीट, प्रभाव, प्रभाव यानी इफेक्ट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब ये होता क्या है, देखो धारा को किसे दिखाएंगे हम, धारा को आई दिखाएंगे आई, कैपिटल आई हाँ धारा के लिए सिंबल आई। और टाइम, हमें पता है जितना ज्यादा टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा। गीजर में, गीजर का इस्तेमाल तो सभी कर रहे होंगे, गीजर बात में ज्यादा देर तक पानी को गर्म करेंगे तो पानी ज्यादा गर्म होगा या नहीं होगा, होगा क्या इनडेफिनेट ज्यादा गर्म होगा या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बंद हो जाएगा ज्यादा गर्म होना। पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बंद हो जाएगा। सबका यही एक्सपीरियंस है या किसी का डिफरेंट है। गीजर सर में गर्म होता ही होता ही होता ही जाएगा या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बंद हो जाएगा ज्यादा गर्म होना। के बाद पानी ऐसा कैसे हो पाता है, हाउ इट बिकम पॉसिबल। ये तुम देख रहे हो यहां पर जो रेड हॉट हो रहा है, दिस रॉड, इसमें इसमें बच्चों वायर है, नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम वायर हाँ, और ये जो रॉड तुम देख रहे हो इसके अंदर भी नाइक्रोम वायर है। यहाँ जो येलो कलर की रॉड दिख रही चमकती हुई, अंदर नाइक्रोम वायर है जो हीट हो रहा है, जो कि ऑर्डिनरी हीटर में भी होता है, रेड हॉट हो जाता है। और इसे जिसको तुम देख रहे हो ये ब्लोअर टाइप, इंट्रोवर्ट इसमें भी आगे स्प्रिंग, स्प्रिंग नाइक्रोम वायर लगा होता है और पीछे पंखा लगा होता है। पंखा हवा फेंकता है, जो नाइक्रोम वायर, गर्म नाइक्रोम वायर के ऊपर से होकर आती है तो वो हवा गर्म आती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हीट कन्वेक्टर और ब्लोअर। और यहाँ ये जो तुम देख रहे हो ये डिफरेंट टाइप का है बच्चों, इसमें लाइट ज्यादा है हीट कम है। इसमें हेलोजन ट्यूब होती है, तुमने कभी ध्यान दिया हो तो शादी ब्याह में कभी गए हो, वहां पे हेलोजन लगी होती है, बड़ी बड़ी तेज रोशनी फेंकने वाली लाइट, हेलोजन बोलते हैं उनको। तो वो जो हेलोजन होती है वो रोशनी में गर्मी फेंकती है, यानी वो बहुत ज्यादा पावर वाली होती है। तो ये अलग प्रिंसिपल से गर्म करता है, ये ऊषा वाला अलग प्रिंसिपल से गर्म करेगा, ये दो रॉड वाला और ऊषा वाले का प्रिंसिपल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इस दो रॉड वाले में, माउस का पॉइंटर दिख पा रहा है ना तुमको स्क्रीन पे, दो रॉड वाले में क्या है बच्चों, इसमें ओपन है वायर, नाइक्रोम वायर इन ओपन, हवा में खुला हुआ है। पहले बच्चों इस पे ब्रेड सेक लिया करते थे टोस्टर की तरह, है ना, ब्रेड का टोस्ट बनाना है तो इसमें बना लिया करते थे, जाली में लगा के ब्रेड को, अभी भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ग्लास की एक ट्यूब है, उसके अंदर है नाइक्रोम वायर, बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। ये गर्म क्यों हो रहे हैं, और गीजर जो है, हाँ रेजिस्टेंस की वजह अद्विका आ गई, गीजर जो है वो गर्म क्यों हो रहा है। तो गीजर में भी बच्चों हीटिंग एलिमेंट होता है, गीजर में भी हीटिंग एलिमेंट होता है, वो भी नाइक्रोम का होता है। तो एक नाम जो तुम्हें याद रखना है वो है नाइक्रोम। अब क्रोमियम का अलॉय। वेरी गुड, नाइक्रोम इज एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। पर मैं तुम्हें बताऊं इसमें आयरन भी होता है बच्चों। ताऊजी अलॉय का मतलब हाँ मिक्सचर एलॉय का मतलब मिक्सचर, ऐसे समझो, मिक्सर ऐसे समझो शरबत क्या है, मिक्सर मिक्सचर ऑफ, मिक्सर हाँ मिक्सचर है किसका, पानी और खुशबू, एसेंस और फ्लेवर, तो वो मिक्सचर है। वैसे मेटल्स को अगर मिक्स करेंगे तो मेटल्स के मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज
मिक्सचर ऑफ मेटल्स ऐसे कह सकते हैं। जैसे पीतल, पीतल का लोटा है तो पीतल एक धातु है, एलॉय मिक्सचर। क्या एल्यूमिनियम एलॉय है? जवाब है नहीं। पर एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाने में हम प्योर एल्यूमिनियम यूज नहीं करते, एल्यूमिनियम का एलॉय यूज करते हैं, ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन शायद मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, हल्का एलॉय यूज करते हैं। पर अगर तुमने मोटरसाइकिल, मोपेड वगैरह ये गाड़ियां देखी हैं, तो गाड़ियों में नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह का, कैसा भी दिखाता हूं मैं तुमको, किधर से जाएंगे, ओके यहां से जाएंगे, इमेजेस ऑफ मोटरसाइकिल इंजन, मोटरसाइकिल इंजन। देखो मोटरसाइकिल के इंजन नजर आ रहे तुमको, इसमें से एक पिक करते हैं ये वाला, ठीक है? तो टर्बो डीजल है, मोटरसाइकिल का नहीं है, गाड़ी का है, चलो कोई बात नहीं। ये जो मेटल तुम्हें दिख रहा है, इट इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का एलॉय है जो बहुत हाई टेम्परेचर सह सकता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही हाई टेम्परेचर ये सह सकता है, तो एल्यूमिनियम का एलॉय है। वापस लौटते हैं, एलॉय हमने समझ लिया। नाइक्रोम इज आल्सो एन एलॉय जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर सह सकता है, जलता नहीं है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर भी जलकर खत्म नहीं होता, बाकी चीजें ऑक्सीजन जलाकर खत्म कर देती है। तो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे थे। इन सभी हीटर के अलग अलग गुण हैं। अगर तुम ये वाला हीटर यूज करते हो, इट बर्न्स ऑक्सीजन, ये कमरे के ऑक्सीजन को खत्म करता है, और गर्म हवा तुम्हारे लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि तुम इस हीटर को यूज ना करो, इस टाइप ऑफ हीटर को। अगर तुम इस टाइप का हीटर यूज करते हो, देन इट इज ओके, बट कमरा बंद नहीं होना चाहिए। अगर कमरा बंद है तो ये भी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन खा जाता है, यानी ऑक्सीजन कम करता है। तुमने सुना होगा कि अगर अंगीठी या सिगड़ी कमरे में जला ली, कोयले वाली, और कमरा बंद कर गया, करके रखा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों? नाम सुना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। ये बहुत ही हार्मफुल गैस है बच्चों, कोयले को जलाने पर ये निकलती है धुएं में, तो उससे आदमी मर भी सकता है, बेहोश हो सकता है, मर सकता है। तो इस हीटर को जला रहे हैं तो ये एंश्योर कर लें, एंश्योर कर लें, अगर ज्यादा देर के लिए जला रहे हैं, रात भर के लिए जला रहे हैं, तो कमरे में ओपनिंग होनी चाहिए, हवा के आने जाने का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ये भी करेगा पर ये उससे कम करेगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट डायरेक्टली एक्सपोज है एयर को, पर ये वाला एलिमेंट कवर्ड है कांच के ट्यूब में, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो ये इसके कंपैरिजन में, वन के कंपैरिजन में नंबर 2 लेस ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, यानी इससे बेटर है। इस पे मैं 2 राइट लगाता हूँ, इस पे 1 राइट लगाता हूँ, इस पे मैंने रॉन्ग लगाया, एंड द बेस्ट वन इज दिस, ये ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करता है, पर ये हीट बहुत उतना कम उतना देता हीट नहीं करता है, इसकी हीट जनरेशन कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में नंबर 2 के कंपैरिजन में नंबर 3 की हीट जनरेशन कैपेसिटी कम है, बिजली ज्यादा खाएगा और गर्मी कम देगा। अब ये कैसे पता चल रहा है कौन कितनी गर्मी देगा और कैसे, तो वो समझते हैं हम, गर्मी आई कहाँ से। हाँ वाला बहुत अच्छा होता है, वो अच्छे गर्मी भी देता है और स्ट्रेस भी नहीं होता। हाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कमरा बिल्कुल पैक नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कमरा, और रात भर अगर चलाना है तो, रात भर नहीं चलाना तो कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए चलाना है, देन इट इज ओके, हम यूज कर सकते हैं कोई सा भी इनमें से। हाँ ये नहीं यूज करना चाहिए। सो हीट जो डेवलप हो रही है, साइंटिस्ट का नाम सुना तुमने, जूल, हाँ इसी के नाम पर यूनिट भी है बच्चों, तो जूल जो है, एनर्जी। हाँ जूल जो है साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया ये जो हीट डेवलप होती है किस में डेवलप हो रही है, किसी रेजिस्टेंस वायर में। रेजिस्टेंस वायर का सिंबल क्या है?
रेजिस्टेंस वायर का सिंबल है ये, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, दिस इज सिंबल फॉर रेजिस्टेंस वायर। तो किसी रेजिस्टेंस वायर में जब करंट फ्लो होती है, करंट इसमें फ्लो करा दी हमने, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट, पेन या पेंसिल जो भी तुम्हारे पास है इसको रब करो लाइक दिस। देखो हाथ गर्म हुआ क्या, पेंसिल गर्म हुई क्या, छूकर देखो क्या ये गर्म हो गई। यस व्हाई इट इज सो, फ्रिक्शन, बिकॉज हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो करंट को रोकने की कोशिश करेगा कौन, रेजिस्टेंस, तो ये वायर गर्म हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो रेड हॉट हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म। सो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो हीट डेवलप होगी वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, करंट की पावर टू, जैसे टू का स्क्वायर होता है। हाँ बोलो बेटा। ताऊ जी आपने क्या बोला था, अगर इसे ज्यादा चलाएंगे तो क्या होगा? मैंने रीजन बताया कि ये ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं कमरे की, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी रूम में, ठीक है। कोई भी चीज, आपने कुछ रेड हॉट कुछ ऐसा बोला था, ये रेड हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, लाल तप्त, रेड कलर का हो जाता है ना अंगारे जैसा, क्या होगा? ऑक्सीजन को जला देगा, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की है उसको जला देता है, कंज्यूम करता है, मतलब कंज्यूम खा जाता है ऑक्सीजन, ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, छोटी क्लास में पढ़ाया गया ना तुमको, कहीं पर ऑक्सीजन है वहां पे माचिस की जलती हुई तीली ले जाओगे तो और तेजी से जलने लगेगी माचिस की तीली। ऑक्सीजन तो हर जगह, हाँ जलने में सहायक है, प्योर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जला सकती है। सो ऑक्सी एसिडिटी, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो। ओके, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, करंट जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा। साथ ही साथ उसने ये भी स्टडी किया, उसने बताया एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वैल्यू का होगा। बच्चों रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, ओम का सिंबल क्या है ये, इसको बोलते हैं ओमेगा, ये सिंबल है ओम के लिए लैटिन सिंबल, तो रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, जितने टाइम तक हम करंट पास कर रहे हैं, जितनी देर तक करंट पास करेंगे ये गर्म और होता जाएगा, नहीं हीट प्रोपोर्शनल है। इन तीनों फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर इंटू टी, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं वहां हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, सपोज दिस कांस्टेंट इज जे, जूस कांस्टेंट, जे टाइम्स I square RT। पर अगर मैं ऐसा यूनिट यूज करता हूं तो हम यहां पर इसको आसान कर देते हैं बच्चों, हमें J की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम करंट को नापते हैं एम्पियर में, करंट की यूनिट एम्पियर कैपिटल A से दिखाएंगे, रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, और टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं इक्वल हो जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू I स्क्वायर RT, और इससे हम डायरेक्टली हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट हीट यूजिंग दिस फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब सवाल ये उठता है कि वो जो था हमारा गीजर, टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा। गीजर में एक डिवाइस होता है उसका नाम होता है बच्चों थर्मोस्टेट, नाम सुना है थर्मोस्टेट? नहीं सुना है तो सुन लो, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, ये रेफ्रिजरेटर में भी होता है बच्चों और गीजर में भी होता है, थर्मोस्टेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कैसे, ये कट ऑफ कर देता है उसकी पावर को, उसमें से बिजली काट देता है, करंट ही बंद कर देता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच किया उसके बाद गीजर बंद हो जाता है, फिर मीटर भी नहीं चलेगा बिजली का, मैंने पावर भी नहीं खाया कंज्यूम करेगा, रीडिंग नहीं आएगी मीटर में, और करंट कट ऑफ कर देता है। ऐसे ही तुम्हारे पास जो प्रेस है इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी थर्मोस्टेट होता है बच्चों, ठीक है। माइक्रोवेव में भी होता होगा ना, किसमें, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में थर्मोस्टेट की जरूरत नहीं है, वहां तो टाइमर लगाते हैं हम खुद ही, ठीक
माइक्रोवेव में? हाँ बोलो बेटा। जी गरम करते ना पानी, लाइक तो जब पानी एकदम ज्यादा गर्म हो जाते तो वो हीटर या बॉयलर जो होते हैं वो अपने आप बंद हो जाता है, हाँ उसमें भी होता है क्या ये? हाँ तो वही मैं बताया ना, मैं थर्मोस्टेट बंद करता है उसको बेटा। थर्मोस्टेट ये डिवाइस है जो उसको बंद करता है, उसकी पावर कट ऑफ कर देता है, ऑटो कट ऑफ कर देता है। इलेक्ट्रिक प्रेस में जिससे हम अच्छा कपड़े इस्त्री करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें, गीजर में, रेफ्रिजरेटर में पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करने पर वो बंद कर देता है, नहीं तो आगे कूलिंग इफेक्ट होती जाएगी, कूल होता जाएगा होता जाएगा। पर ये जो डिवाइस है इसमें कोई थर्मोस्टेट नहीं है, ठीक है? ये स्टेट सिंपल है, दो तार जो है उनसे नाइक्रोम वायर के एंड्स को जोड़ दिया, यानी अगर इसका मैं सिंपल सा सर्किट बनाऊं तो कैसा दिखेगा? ये तो हो गया नाइक्रोम वायर रेजिस्टेंस, और इसको मैंने जोड़ दिया। कौन आया अभी? अच्छा ये छूट गई थी, बाहर निकल गई थी क्या? ओके, रेजिस्टेंस वायर को मैंने किससे जोड़ दिया? सप्लाई से। ये जो अल्टरनेटिंग करंट होती है बच्चों, घर में कैसी आ रही है? अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे नाम सुन लो अभी, तो बाद में बताऊंगा क्या है एसी डीसी। डायरेक्ट करंट जो हमें सेल या बैटरी से मिलती है, अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में आ रही है उसके लिए हम सिंबल बनाते हैं ऐसा। दिस इज द सिंबल फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये जो लहरदार सिंबल बनाया मैंने, कंप्यूटर की कीबोर्ड पे दिखता है ना तुम्हें, टॉप पे एस्केप के नीचे, ये वो सिंबल है। हाँ तो अल्टरनेटिंग करंट को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। तो ये करंट इसमें जा रही है और ये रेसिप्रोकेट करती है। जैसे कभी तुमने सैंड पेपर से घिसकर पेंसिल की नोक तीखी की है? सैंड पेपर समझते हो, रेगमाल, हाँ दीवार मैं घिसने के काम में लेते हैं ना? समझ हाँ, दीवार घिसने के काम में लेते हैं सैंड पेपर। तो उस सैंड पेपर पे पेंसिल की नोक घिस के हम तीखी कर सकते हैं। नोक को हम इधर मूव कराएं या इधर मूव कराएं, दोनों बार घिसेगी, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये जो एसी होती है रेसिप्रोकेट करती है बच्चों, एक बार इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, फिर इधर जाएगी, और दोनों बार इसमें हीट प्रोड्यूस करेगी। तो वो सब हम सीखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। मेरा सवाल अगला ये है तुमसे कि ये जो नाइक्रोम वायर है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहां तो कोई थर्मोस्टेट नहीं लगा हुआ, तो ये लगातार गरम 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 और गरम होता जाएगा, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद यहां पर भी कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा गरम होना? कॉन्स्टेंट हो जाए। तो रोकेगा कौन इसको? ये चल तो रहा है, बंद तो नहीं हो रहा है? हाँ मैं बताऊं, ये हीट अगर वहां बिजली से ले रहा है तो दे भी तो रहा है बाहर, रिलीज भी तो हो रही है हीट। ठीक है। सो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है रूम का? क्योंकि हीट ये दे भी रहा है। ठीक है, हीट दे रहा है, लगातार हीट देता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको जल जाना चाहिए। तुम्हें जब गुस्सा आता है, अगर तुम गुस्सा तुम्हारा जो है काबू नहीं हो, तो तुम तो गुस्से में खत्म हो जाए इंसान, जल के गुस्से से अपना सर फोड़ ले दीवारों पे, इतना तेज गुस्सा आता है। सो व्हाट मे बी द कॉज? तो हम इसको कैसे समझते हैं बच्चों? रेट, इसमें सर्टेन रेट पर हीट जनरेट हो रही है और सर्टेन रेट पर हीट डिसिपेट हो रही है। एक नया शब्द सीखो, डिसिपेशन। रेट यानी दर, हिंदी में बोलते हैं दर, डिसिपेशन। आर यू फैमिलियर? यस ओके, डिसिपेशन। एक तो होता है कॉन्स्टिपेशन, उससे तो सब फैमिलियर होंगे, मैदा खा खा के क्या हो जाता है सबको, मैदा की चीजें खाने से कॉन्स्टिपेशन, डिसिपेशन निकलना। तो रेट ऑफ जनरेशन, जनरेशन अगर जनरेशन की रेट ज्यादा है तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा, डिसिपेशन की रेट ज्यादा है तो ठंडा होता चले जाएगा, और अगर ये दोनों रेट बराबर हो जाएं, जिस रेट पे जनरेट हो रहा है उसी रेट पर डिसिपेट हो, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। एक और टर्म, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था हिंदी में कहते हैं, साम्य, साम्य स्थिति आ गई, साम्यावस्था।
साम्य अवस्था यानी साम्यावस्था। तो एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है जिससे फर्दर टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, इस वजह से जलता नहीं, नहीं तो जल के खत्म हो जाए। जिस रेट पर ये हीट डेवलप कर रहा है उस रेट पर सराउंडिंग्स को ये रेट उसी रेट पर हीट डिसिपेट कर देता है, छोड़ देता है। तो इसके बारे में और दूसरे अप्लायंस के बारे में जो जनरल अवेयरनेस तुम्हें होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब जो हम यूज कर रहे हैं घर में, जितना भी सामान हम यूज कर रहे हैं, तो अगर तुम चाहते हो इसके बारे में और मैं बात करूं तो तुम अपने कमेंट्स ग्रुप पे लिख सकते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो वो मैं समझा दूंगा। हाँ फिलहाल इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल अरे और जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे पूछता हूँ। ये साइकिल है, दिख रही है सबको? हाँ हाँ, तो तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हाँ बच्चों, ए बी सी एंड डी। इस साइकिल में तुम हवा कहाँ से भरोगे, कौन सी जगह से? ए से, बी से, सी से, डी से? सब लोग ए से भरेंगे? बी से कोई नहीं भरेगा? सी से, डी से? नहीं, 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 तो क्या नहीं तुमने से। साइकिल में हवा भर के देखा बच्चों? यस ओके, क्या तुम जानते हो इसके अंदर क्या है, खोलेंगे तो इसका नाम सर। क्या है? इसका नाम है वाल्व। अब सवाल ये उठता है कि हवा सिर्फ अंदर जाती है, वापस बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या ये कैप लगा दिए उसके ऊपर इसलिए, या कैप हटा देंगे तो भी नहीं निकलेगी? लगा हाँ, उसका स्ट्रक्चर देखना ध्यान से। तो ये ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे काम की हैं, जो हमें जाननी चाहिए पढ़ाई में, चाहे सिखाए नहीं सिखाए, पर इन चीजों का जिनका हमें इस्तेमाल करना है डे टू डे लाइफ में, तो हमें इनके बारे में अगर पता हो जिनका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, तो हम एफिशिएंटली इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, इनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे और अपना फायदा कर पाएंगे। सो यू हैव टू डिसाइड। सुनो, आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ, कुछ भी किसी अरे को पूछना है पूछ सुनो सकते हो। हाँ तो बोलो बेटा। माइक्रोवेव में अगर ये थर्मोस्टेट नहीं होता तो अगर अपन टेम्परेचर सेट कर देंगे 2000 के बाद रुक जाना है तो उसको रोकता उसमें थर्मोस्टेट होता है, सही बोल बोला, थर्मोस्टेट ही सेंस करके रोकेगा, ठीक है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट है उसमें, सही बात है। सो तुम डिसाइड करो तुम्हें कितना पढ़ना है, ज्यादा टाइम पढ़ना है, कम टाइम पढ़ना है, जो भी तुम्हारे व्यूज हैं तुम शेयर कर सकते हो ग्रुप पर, किस बारे में पढ़ना है, जस्ट डिसाइड योरसेल्फ। मैंने यार। एनटीएससी के बाद उसका भी बता दिया तुम्हें। अच्छा बाकी वो पैरेलल में वो चल ही रहा है, ऑप्टिक्स हाई लेवल जिसको भी पढ़ना है वो वहां से पढ़ के मेरे से डिस्कस कर सकता है जो समझ में ना आए, ठीक है? कंटिन्यूएशन में उसी में आपको उस चैनल में वीडियो मिल जाएंगे, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे कंटिन्यूएशन में, उस पर जाओगे तो उस पर भी डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें वीडियो मिल जाएंगे, तो ये कर सकते हो। हाँ कुछ कहना है तो बोलो बेटा, क्या कहना है, प्लीज आस्क। आपने जो वीडियो भेजी थी और जो वीडियो जिस चैनल से आई है उसको सब्सक्राइब करना है ना।